जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तबाह बर्बाद फना हो गए, हम तबाह बर्बाद फना हो गए। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड लाइफ एंड इंडिया.com। दिस इज संस्कृति, योर होस्ट फॉर द डे। राइट नाउ हम सब एक्साइटेड है फॉर द 12-आवर लॉन्ग इंडियन आइडल ग्रैंड फिनाले। ये पहली बार होगा जब कोई ग्रैंड फिनाले इतना बड़ा चलेगा एंड इट विल श्योरली बी अ ग्रैंड एपिसोड। पूरे 10 महीने बाद हमें फाइनली इंडियन आइडल का विनर मिलने वाला है एंड वी हैव विद अस इंडियन आइडल 12 फाइनलिस्ट मोहम्मद दानिश। वेलकम दानिश। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पर बॉलीवुड लाइफ पर इनवाइट किया। सो फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस ऑन बीइंग द फाइनलिस्ट। टॉप 6 में होना ही सबसे बड़ी जीत है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोला आपने, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फाइनल में पहुंच जाऊंगा एंड आज मैं फाइनल में हूं, फाइनली मैं फाइनल में हूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यू नो इंडियन आइडल का विनर अभी फाइनली डिक्लेयर होगा इंडिपेंडेंस डे पे। ये सीजन सुपर हिट हो चुका है एंड आप इस सीजन के इस सक्सेसफुल सीजन के पार्ट रहे हो। सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर द ग्रैंड फिनाले? बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मैम, बिकॉज़ ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा कोई शो चला है, रियलिटी शो मोस्टली कभी चलते नहीं है इतने लंबे, ये पहला सीजन है जो लॉन्गेस्ट रनिंग है वह सीजन हुआ है एंड इसका फिनाले भी सबसे लंबा होने वाला है, बहुत बड़ा 12 घंटे का फिनाले होने वाला है। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, मैंने कभी किसी शो का नहीं देखा 12 घंटे फिनाले, मैंने कोई शो ऐसा भी नहीं देखा जो इतना लंबा चला है, तो मैं इस शो का हिस्सा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ग्रैंड फिनाले के प्रोमोस काफी इंटरेस्टिंग रहे हैं। एक प्रोमो में हमने देखा है योर सिंगिंग अलोंग विद सनी हिंदुस्तानी, सवाई भट्ट एंड ऑल। वो प्रोमो देख के हमें गूजबम्स आए, लाइक देखने में ही उसको बहुत मजेदार लग रहा है। तो डेफिनेटली शूट करते टाइम या रिहर्सल्स करते टाइम इट मस्ट बी फन। तो कुछ BTS मोमेंट्स है जो आपको याद है लाइक रिहर्सल के टाइम पे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये बहुत धमाकेदार परफॉर्मेंस है जो आपने प्रोमो से ही आपको लगा होगा, तो बहुत कमाल होने वाला है इसमें, बिकॉज तीनों सिंगर जो है वो मेरे साथ जो गा रहे हैं तीनों ही बहुत कमाल है, कोई उस्ताद जिनको बोल सकते हैं, उस्ताद बोल सकते हैं तीनों को। हाँ। सलमान भाई बहुत सुनी एंड सनी वो भी बहुत कमाल गाते हैं एंड सवाई भाट जो कि हमारे इसी शो के हैं एंड मेरे फेलो कंटेस्टेंट रहे हैं, तो तीनों ही बहुत आल सिंगर हैं, तीनों ही तगड़े जिनको बोलते हैं ना भयंकर सिंगर, उनके तीनों के साथ बहुत अच्छा लगा मैं, तो बहुत धमाका होने वाला है एंड फिनाले जो है बहुत यादगार होने वाला है फिनाले, बिकॉज इतनी कर रहे हैं हम लोग फिनाले को शूट करने के लिए, यादगार इसको बनाने के लिए, बिकॉज इतना प्यार हमारे शो को मिला है तो उसके लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हमको डबल मेहनत करनी पड़ रही है। और इंडियन आइडल ग्रैंड फिनाले में काफी सारे आपके फेलो कंटेस्टेंट्स होंगे जो पहले एलिमिनेट हो गए हैं, और सो कैसे लगा उनको वापस एक बार मिलके एंड लुकिंग एट देम एंड उनके साथ परफॉर्म करना, कैसा था वो? अरे मैम मैं बहुत ही इतना मिस कर रहे थे हम लोग को, तो जब भी एलिमिनेशन होता है कोई भी चला जाता है अपने घर तो बहुत मिस करते हैं हम लोग, जब सब लोग साथ में आ गए तो एक खुशी का ठिकाने नहीं था, हमारी पूरी इंडियन आइडल की फैमिली वापस से एक साथ इकट्ठी हो गई थी, तो वो ऑडिशन वाले दिन याद आ गए थे जब हम लोग सब लोग सिलेक्ट होकर यहाँ पर आए थे, तो सारी यादें हमारी ताजा हो गई थी, हमने बहुत सारी मस्ती की साथ में, सब लोगों ने इतनी मेहनत की है मैम कि मैं बता ही नहीं सकता। और अभी इंडियन आइडल ने आपको बहुत कुछ दिया है और आज किसी टीवी स्टार जितने ही फेमस आप सब हो गए हो एंड हाउएवर ये सब के साथ में बहुत सारी ट्रोलिंग हुई है, बहुत सारे हेट मैसेजेस आए हैं एंड कुछ फॉर्मर कंटेस्टेंट्स ने कहा है कि ये शो स्क्रिप्टेड है, इसको बिग बॉस बना देना चाहिए, तो आपके इसके ऊपर क्या व्यूज है? नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो क्रिटिसिज्म के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम लोग तो अपनी मेहनत करते रहते हैं मैम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दिस एंड दैट, ये शो पब्लिक के वोटों के आधार पर चलता है, शो वालों का तो वो किसी को एलिमिनेट ही ना करें, बिकॉज यहाँ इतना प्यार करते हैं लोग हमसे, कंटेस्टेंट जो भी आते हैं इतना सब लोग, पूरा शो जब कोई एलिमिनेट होता है तो जो शो के जो शो बना रहे हैं ना वो टीवी पे नहीं आते, वो सब लोग इतना रोते हैं, बट क्या करें शो का फॉर्मेट है, अब हम लोग क्या ही कर सकते हैं मैम, पब्लिक क्या कह रही है, बट हम तो अपने एक ईमानदारी से एक शो बना रहे हैं एंड इस शो को
इतना प्यार करते हैं हम बच्चों को, सब लोग इतना बूस्ट अप करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। एंड क्रिटिसिज्म की बात रही तो क्रिटिसिज्म पे बिल्कुल भी हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। आने वाले एपिसोड्स की हम तैयारी करते रहते हैं कि आप इससे अच्छा हम और क्या कर सकते हैं, तो उसी पे सारा टाइम निकल जाता है मैम। क्रिटिसिज्म तो मैम देखो चलता रहेगा, सबके साथ होता है ये। यूट्यूब पे आप किसी की भी वीडियो देखेंगे, आप जिसकी, आप इवन माइकल जैक्सन की वीडियो देखेंगे तो उस पर भी लोग डिसलाइक कर देते हैं। माइकल जैक्सन के सबसे बड़े जो है वो कलाकार रहे हैं, आर्टिस्ट रहे हैं, उनकी वीडियो पे भी लोग डिसलाइक कर देते हैं, तो इसके बारे में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। जबकि लाइक करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो मैं उन 90% बारे में सोचता हूँ जो लोग हमको प्यार करते हैं। रही बात 10% वाले लोगों की, तो उनके लिए बस ये कोशिश रहती है कि मैम ऐसा कुछ मैं क्या कर पाऊँ कि इन 10% का भी जो दिल हम जो है वो जीत ले, उसी कोशिश में रहते हैं बस। आपने ये बात पहले भी कही हुई है कि आप इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते और आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं, तो जैसे आप ये जो पॉजिटिविटी है, क्या ये आपके को कंटेस्टेंट्स के वजह से आती है? लाइक ऑब्वियसली आप जब ट्रोल हुए होते हो तो आपके को कंटेस्टेंट्स आपके साथ, डू दे मोटिवेट यू? मैम हम इस बारे में हम बात ही नहीं करते, चर्चा ही नहीं करते इस बारे में। ये बहुत अच्छी बात, इस बात से मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं इवन रहने की कोशिश नहीं करता हूँ, मैं तो इन बातों को देखता ही नहीं हूँ। मैं जस्ट ध्यान, हम लोग इतना बिजी रहते हैं मैम अपने नए नए गानों को याद करने के लिए कि इन बातों के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। लोग उन लोगों पे ज्यादा ध्यान देता हूँ जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं। अब देखेंगे हमारे इतना लोग प्यार कर रहे हैं कि अभी मेरी यूट्यूब की फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, मेरे इंस्टा की फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, तो प्यार करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है मैम। एंड नेगेटिविटी लोगों की संख्या बहुत कम है और कम ही रहेगी हमेशा। इसी के साथ ये सब भी आ जाता है कि अभी बहुत बार हमने सुन लिया है कि अरुणिता पवनदीप का जो भी बातें हो रही है, कभी कभी ये बहुत इरिटेटिंग हो जाता है आप लोगों के लिए भी और उन दोनों के लिए भी, तो ऐसा कुछ है? लाइक बहुत इरिटेट हो जाते हैं कुछ कभी कभी? नहीं नहीं मैम, वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, जस्ट दे आर फ्रेंड्स एंड बहुत अच्छी उनकी दोस्ती है। एंड मैं तो हमेशा से यही कामना करता हूँ कि उनकी दोस्ती ऐसी हमेशा बनी रहे, हम सबकी दोस्ती ऐसी बनी रहेगी इंशाल्लाह। ये तो आने वाले दिनों में आपको फिनाले के बाद भी देखने को मिलेगा, हम लोग साथ ही रहने वाले हैं, सब बॉम्बे में धमाल करने वाले हैं, तो सब लोग हमेशा साथ रहने वाले हैं। बिल्कुल। और आपकी सिंगिंग के साथ साथ आपकी एक्टिंग स्किल्स भी बहुत चर्चे में रही है, और इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऑफर आता है फ्रॉम बॉलीवुड या टीवी तो आप करोगे? बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं क्या कोई कौन नहीं करना चाहेगा बॉलीवुड या टीवी के लिए, एक्टिंग के लिए तो मतलब ख्वाब है हमारे, तो मैं बस कोशिश करता रहता हूँ। एक्टर तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक्टर अच्छा हूँ, तो मुझसे नहीं आती, बस जस्ट कोशिश करता हूँ बिकॉज मेरी हॉबी है, मुझे पसंद है एक्टिंग करना, तो बस मैं नई नई चीजें ट्राई करता रहता हूँ। काफी अच्छा, ऑफ कोर्स करना चाहूंगा। तो अभी ये शो खत्म होने वाला है, और आपके पास कोई ऐसी बिहाइंड द सीन मेमोरी है जो आपके साथ हमेशा रहेगी, इंडियन आइडल की मेमोरी? मैम बहुत सारी मेमोरी है, बहुत 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 सारी मेमोरी, इतना कुछ हमने सीखने को मिला है यहाँ पर जो ऑन स्क्रीन नहीं आता है हम लोग को, इतना एक्सपीरियंस यहाँ से मिला है। इवन आदि भाई जो है हमारे इतना ध्यान रखते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि बेटा अपने ऐसे चलना है, इसके बाद अभी जो आपको मिला है ये बहुत कम लोगों को मिलता है। मोस्टली आप देखते हैं कि कभी इतना प्यार नहीं मिलता रियलिटी शो के कंटेस्टेंट्स को कि वो इतने ज्यादा सराहे जाने लगते हैं कि आज स्टारों वाला वो जो फील है हमें आने लगा है, उसको हम दिमाग पे नहीं लेना है, आपने ये ऐसे चलना है ऐसे चलना है, तो ये सारी बातें हमने यहाँ मैम यहाँ पे सीखी है। एंड हमें तो बहुत अच्छा लगता है मैम पब्लिक इतना प्यार करती है, बस ऐसे ही उनका प्यार बरकरार रहे उसके लिए मेहनत करते रहेंगे बस मैम, यही है। बिल्कुल, आपने आदित्य नारायण की बात की, और उन्होंने हर बार इंडियन आइडल 12 को डिफेंड किया है, जब भी कोई इंडियन आइडल को ट्रोल करता है आदित्य नारायण स्टैंड लेते, वो जो हम लोगों के लिए वो सपोज वो लंच ब्रेक में हम लोगों के लिए पिज्जा ऑर्डर करते हैं, सब लोगों को पिज्जा पार्टी आदि भैया का देना ही हमेशा बनता है, फिर वो बिरयानी सब लाते हैं कि जिसका जो मन करता है वो खाओ। एंड फिर हम लोग साथ में, आप देखते होंगे हमारे रील्स देख रहे होंगे आप, बहुत ज्यादा चर्चित, अभी 50 मिलियन रील चला गया आदि भैया का, तो इतना लोग प्यार करते हैं हमें, आदि भैया जितना हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसा मेरे को नहीं लगता वो कोई होस्ट ऐसा होगा जो, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मेरे को मेरा बड़ा भाई मिल गया, मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है मैम, मेरे से सब छोटे हैं मेरे घर में, तो मुझे इंडियन आइडल ने एक बड़ा भाई दे दिया है आदित्य नारायण।
और फिर अभी ये शो खत्म होने के बाद ऐसा कौन सा वो कंटेस्टेंट है, आप डेफिनेटली आप सबके साथ दोस्त रहोगे, बट कौन सा ऐसा दोस्त है जो यू नो हमेशा आपके टच में रहेगा और वो दोस्ती यू नो लंबी चलेगी, यू नो कभी ना टूटने वाली? मैम हम लोग का तो प्लान है, हम लोग तो साथ रहने वाले हैं, हम तो सभी लोग हम लोग बाजू बाजू में रहेंगे, एक ही बिल्डिंग में हम लोग रहने वाले हैं, तो सब लोग की दोस्ती हमारी ये साथ रहने वाली है। तो हम लोग सब लोग बाहर से आए हैं, कोई उत्तराखंड से आया है, कोई पर राजस्थान से आया है, तो हम लोग सब लोग बॉम्बे में एक ही साथ रहने वाले हैं, तो हमारी दोस्ती तो लाइफ टाइम चलेगी ना, ये दोस्ती नहीं ये परिवार हो गया है। यू नो अपार्ट फ्रॉम यू नो कि आप एक इम्प्रूव्ड सिंगर है, अभी एक बहुत अच्छे यू नो स्टार सिंगर बन चुके हैं इंडियन आइडल से, तो इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो आप इंडियन आइडल से सीख कर जाओगे? इंडियन आइडल से मैम बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है मुझे। एक तो मेहनत करना, कि हमेशा लाइफ में मेहनत करते रहो, मेहनत नहीं करोगे तो आप, मेहनत करोगे तो आप वो पा सकोगे जो आप पाना चाहते हो, तो मैं ये बहुत बड़ी चीज, एंड साथ में बहुत एक्सपीरियंस मिला है कि इतने सारे हमने म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म किया है। लक्ष्मीकांत तेलालाल साहब जब आए थे तो 60 म्यूजिशियंस के साथ हमने परफॉर्म किया था, नए नए एक्सपीरियंस मिले। तो यू नो अगर अभी इंडियन आइडल का फिनाले होगा, हमें विनर मिल जाएगा, तो इफ नॉट यू हु डू यू थिंक शुड विन? कोई भी जीत जाए मैम, छह में से कोई भी जीतता है तो मैं बहुत खुश होने वाला हूँ, बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज हमारी तो फैमिली है इंडियन आइडल की है, ट्रॉफी अपने घर पे ही आने वाली है, बाहर नहीं जाएगा, इसी घर में इंडियन आइडल की घर में फैमिली ट्रॉफी जो है वो यही आएगी एंड यही रहेगी हमेशा, कोई भी जीते फुल धमाल होने वाला है, हम लोग तो फुल मस्ती करने वाले हैं। इस सीजन का हर कंटेस्टेंट विनर है बिकॉज एवरीबॉडी वाज ऑन द टॉप। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। सो यू नो जाते जाते एक गाना तो डेफिनेटली बनता है, यू नो दानिश से गाना नहीं सुना तो फिर क्या? अभी अभी हिमेश सर ने हमारा गाना लॉन्च किया है, तो वही गाना मैं आपको सुना रहा हूँ, एंड उसको इतना प्यार किया है, सब प्यार सराया जा रहा है वो गाना, उसके लिए धन्यवाद, एंड हिमेश सर का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा मैं, उन्होंने मुझे मौका दिया। जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तबाह बर्बाद फना हो गए, जब से तुम दगा करके जुदा हो गए, हम तबाह बर्बाद फना हो गए, हम तबाह बर्बाद फना हो गए, हम तबाह बर्बाद फना हो गए। सो नाइस एंड गुड लक टू यू, सो आई होप आप जीत जाओ, सो गुड लक। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें देख रहे हैं, एंड थैंक यू सो मच बॉलीवुड लाइफ, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद।